हमारी गाड़ी खड़ी हो चुकी थी, मतलब 4-5 की स्पीड पे थी, और इनोवा ने एकदम से 80 की स्पीड में आकर टक्कर मारी। वैसे तो ये व्लॉग अभी डालने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, बट फिर मैंने सोचा यार आप मेरी पूरी जर्नी में शुरू से साथ रहते हो, मतलब बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक, बिल्कुल हम ट्रिप्स पे भी गाड़ी में जाते तब भी आपको पता होता है, तो मैंने सोचा यार एक्सीडेंट वाली चीज़ भी बता दी जाए। तो करते हैं भाई स्टोरी शुरू। लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही होगा मंडी करके एक शहर है हिमाचल प्रदेश में, वहां से हम अपनी एक्सयूवी में पेट्रोल डलवा के निकले, और उस जगह से ना जो कसोल की डेस्टिनेशन थी, मतलब जहां पे हमने बुकिंग करवाई थी, वहां तक का टोटल डिस्टेंस था भाई 90 किलोमीटर, और गूगल मैप में दिखा रहा था 3 घंटे का। तो हम निकल गए भाई लगभग 5 बजे के आसपास, तो करते करते हमने 1.5-2 घंटे ड्राइव करा, 7 बज गए थे और काफी ना अंधेरा हो गया था रस्ते में, और हम ना पहुंचने वाले थे भाई भुंतर। तो भुंतर बेसिकली कसोल से 20-25 किलोमीटर पहले एक जगह है, और भुंतर से हम 8-9 किलोमीटर पहले थे जीरी करके जगह पे। तो वहां पे क्या था भाई, हाईवे का ना 4 लेन का काम चल रहा था, तो उस काम की वजह से क्या होता है, जो हमारी वाली रोड थी ना, मतलब हमारी साइड वाली, वो पूरी की पूरी बंद थी क्योंकि उस पर काम चल रहा हुआ था। हम अपनी लाइन से निकल के हो गए भाई राइट साइड में, मतलब एक तरह से उसको आप रॉन्ग साइड ही कह सकते हो, बट भाई हाईवे बन रहा था तो क्या कर सकते थे उस चीज़ में। तो राइट साइड में हम चल रहे थे आराम से 20-30 की स्पीड में, क्योंकि अंधेरा हो चुका था, मुझे थोड़ा डर भी लगता है पहाड़ों में, इसलिए मैं आराम से चला रहा था। बट सामने से हमें दिखती है भाई दूर, कम से कम नहीं तो 50-60 मीटर दूर, एक इनोवा आती हुई, और भाई केशव और मैं बात कर रहे हैं यार ये रोक नहीं रहा बंदा, इनोवा दिख तो गई हमें आराम से, हमने 20-30 की स्पीड को बिल्कुल रोक के भाई हम 5 की स्पीड में आ गए होंगे, बट उस इनोवा वाले ने बिल्कुल भी पता नहीं ध्यान नहीं दिया, वो फ़ोन में लगा हुआ था, कुछ समझ नहीं आया हमें क्या सीन था, बट उसने भाई ब्रेक ही नहीं लगाई और आके हमारी गाड़ी में सीधा धुसुम मार दी। इंजन बंद है ना, और इनोवा की मेरे ख्याल से स्पीड भाई 70-80 के आसपास तो रही होगी, और इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पावरफुल था ना, हम दोनों ने तो भाई सीट बेल्ट लगा रखी थी, तो हमें अंदर एक भी खरोच नहीं आई, बट गाड़ी की आप आगे हालत देख सकते हो, इनोवा का तो बिल्कुल ही मतलब ख़त्म सा हो गया, रेडिएटर भी लीक हो गया था पूरा, इंजन ऑयल भी टपक रहा था, बट हमारी गाड़ी का आप देख सकते हो महिंद्रा की बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे नज़र आती है भाई, कि अंदर पैसेंजर को एक भी खरोच नहीं आई, और सामने से इनोवा तो इतनी ज़्यादा उड़ चुकी है, बट अपनी गाड़ी को इतना नुकसान नहीं हुआ, मतलब नुकसान तो हुआ है बट इतना नहीं हुआ जितना इनोवा में हुआ है। तो शायद इसके पीछे एक ये रीज़न भी था कि हमारी गाड़ी खड़ी हो चुकी थी, मतलब 4-5 की स्पीड पे थी, और इनोवा ने एकदम से 80 की स्पीड में आकर टक्कर मारी, और भाई ऐसा नहीं था उस रोड पे हम ही रॉन्ग साइड पे जा रहे थे, एक्चुअल में भाई बहुत सारी गाड़ियां वहीं से आ रही थी, क्योंकि दूसरी रोड 4-5 किलोमीटर से बंद पड़ी हुई थी, मतलब उस पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता ना, तो हमें डाइवर्ट कर देते जैसे दूसरी रोड पे। ये देखो भाई सारे रॉन्ग साइड इधर की तरफ आ रहे हैं, डाइवर्जन का पता ही नहीं किसी को कुछ, ऊपर से अंधेरा था तो उसी रोड पे चल रहे थे, अब उस इनोवा वाले ने पता नहीं क्या देखा नहीं क्या सीन था, उसने भाई साहब आके घुसाई दी गाड़ी पूरी। मेनली जो इम्पैक्ट हुआ ना वो इनोवा का भी राइट साइड था और हमारा एक्सयूवी 700 का भी राइट साइड था, तो राइट साइड दोनों गाड़ियों की टक्कर हुई है, और हालत आप देख ही सकते हो कैसी है। शाम के 7:30 बज रहे थे जब ये एक्सीडेंट हुआ, पूरा अंधेरा हो चुका था पहाड़ में, तो आपको पता ही है भाई 5-6 बजे अंधेरा हो जाता है। अब रिस्क ये था कि दोनों गाड़ियां भाई बिल्कुल रोड पे खड़ी हुई थी, और दूसरी गाड़ी अभी सेम रोड से में आ रही थी, उनको अचानक से ना दिखती हमारी गाड़ी तो पीछे से वो और ठोक जाते। तो मैंने आरएसए को कॉल तो लगाया, बट आरएसए वालों ने कहा भाई थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने एक लोकल बंदे को वहां से बुलाया और गाड़ी को पहले टो करवा के रोड से हटा के साइड में खड़ा करा, और उस बंदे ने भी 1200-1500 रुपए ले लिए थे मेरे से। अब क्या ही करते भाई, मजबूरी में 1500 रुपए देने पड़े उसको भी, क्योंकि यार गाड़ी ना ऑन तो हो रही थी, गियर पे भी लग रही थी, बट जो इम्पैक्ट हुआ ना उसके वजह से टायर थोड़ा सा पीछे खिसक गया था, और वो ना टकरा रहा था बॉडी से, इसलिए वो घूम नहीं पा रहा था, तो हमें वो गाड़ी को लिफ्ट करके ही फिर साइड में करवाना पड़ा। इसके अलावा आरएसए की बात बताऊं जो कि होता है रोड साइड असिस्टेंस, तो ये महिंद्रा के साथ हमें फ्री मिला हुआ था, तो आरएसए में क्या करते हैं वो आपको टैक्सी भी देते हैं एंड एक ट्रक भी देते हैं, और वो ट्रक आपकी गाड़ी को ना टो करके ले जाता है भाई नियरेस्ट महिंद्रा सर्विस सेंटर में, जो हमारे केस में था भाई मंडी शहर में लगभग 50-55 किलोमीटर दूर, और ये आरएसए जो होता है ना भाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देने, बस महिंद्रा का जो टोल फ्री नंबर है ना आरएसए वाला उस पर फोन लगाओ, और फिर वो आपको एक दो मैसेजेस करते हैं आपके फोन पे जिससे उनको लोकेशन मिल जाती है। एंड मेरे केस में भाई आरएसए वालों ने बताया था कि ट्रक आ जाएगा 1.5 घंटे में, और गाड़ी जो है ना टैक्सी हमें लेकर जाएगी जो मंडी तक वो आ जाएगी 1 घंटे में, एंड बिल्कुल भाई दोनों चीजें
एग्जैक्ट टाइम पे आ गई थी। और जब हमारे पास ये ट्रक आया ना, लगभग उस वक्त 9 बज चुके थे। अब एक दिक्कत ये आ रही थी कि ट्रक के ऊपर लोड करवानी ना गाड़ी मुश्किल हो जा रही थी, क्योंकि टायर आगे का घूम नहीं रहा था और गाड़ी को सीधा सीधा ऊपर चढ़ाना, तो भाई बहुत मशक्कत के बाद लगभग 1.5-2 घंटे लग गए। 9:30 बजे शुरू किया था टो करवाना और हम 11:30 या 12 बजे जो है फाइनली ट्रक के ऊपर अपनी गाड़ी को चढ़ा पाए। बड़ी मुश्किल से, आप देख ही सकते हो कितनी दिक्कत हो रही थी। अगर मेरी गाड़ी का टायर प्रॉपरली घूम रहा होता ना, तो भाई ये पूरा प्रोसेस 5 मिनट का था। उन्होंने सिर्फ वो टो वाली हुक बांधा गाड़ी में और खींच लिया था, बट खींची नहीं दी थी गाड़ी, रगड़ रगड़ के जबरदस्ती ऊपर चढ़ानी पड़ी और उसमें 1.5-2 घंटा लग गया। उसके बाद गाड़ी जब ऊपर चढ़ गई तो हमने मतलब सामान तो ऑलरेडी गाड़ी में से सारा निकाल ही लिया था, अपने लगेज वगैरह जो भी पैसे थे, आईडी प्रूफ था, वो सब कुछ हमने अपने बैग्स में रख लिया था। और फिर फाइनल हुआ भाई उसका मतलब जो एक तरह से आप कह सकते हो डॉक्यूमेंटेशन, जो ट्रक वाले भैया थे उन्होंने सब चीजें फॉर्म में भरनी शुरू करी कि क्या क्या गाड़ी के अंदर है, स्टेपनी है नहीं है, सब कुछ है। मैट वगैरह लगे? क्या लगे? मैट। हाँ मैट लगा हुआ। स्टेपनी है? स्टेपनी भी है। हाँ हाँ, देख लो यार भैया, नई गाड़ी हम कहा निकालेंगे। अच्छा, वो क्या बोलते हैं, इसका तेल कितना है? तेल फुल टैंक है, अभी भरवाया था मंडी में ही। 55 लीटर डाल दो। ये पार्ट तो मेरे ख्याल बदलेगा नहीं, है तो सही लग रहा है ना, ये चीज टूटा है बोनेट वाला पार्ट। ये सब काम करवाने के बाद लगभग 12 बजे हम टैक्सी में बैठे और निकल गए भाई मंडी के लिए। अच्छा वैसे एक्चुअल में जो सर्विस सेंटर था ना वो मंडी में नहीं है, प्रॉपर मंडी से 8 किलोमीटर पहले, एंड सुंदरनगर और मंडी के आप बीच में कह सकते हो एक जगह आती है नैर चौक करके, तो वहां पर महिंद्रा की सबसे बड़ी डीलरशिप शिमला ऑटोमोबाइल्स करके। लास्ट वाले व्लॉग में मैंने वहीं से अपनी डिक्की भी ठीक करवाई थी, याद होगा आपको। यार आरएसए वाले जो है ना वो टैक्सी भी हमें ऑफर करते हैं, 50 किलोमीटर जाना और 50 आना मतलब 100 किलोमीटर तक फ्री होता है। अगर 100 किलोमीटर से ऊपर कुछ भी हम एक्स्ट्रा चलेगा उसका पे करना पड़ेगा, तो हमारे केस में हमें बताया गया 1000 रुपए पे करने हैं। और सर्विस सही थी आरएसए की, मतलब टाइम पे आ गए भैया भी, टैक्सी वाले भैया भी, और वो जो टो ट्रक करवा के वो भी। चढ़ाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी बट चढ़ा दी किसी तरह से। तो फिलहाल सीन ये है, जहाँ से हमने शाम को मंडी से वो डिक्की वाला पार्ट ठीक करवाया था ना, वहीं पे ही अपनी जो गाड़ी है जा रही है टो ट्रक होके, और उसको लगेंगे 2.5 से 3 घंटे, और हमें टैक्सी में 1.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। तो जहाँ पे सर्विस सेंटर है ना महिंद्रा का, उसके सामने ही भाई कहीं पे होटल ले लेंगे, मैंने देखे थे एक दो होटल वहाँ पे। तो फिर देखते हैं कल सुबह सर्विस सेंटर खुलने पर वो क्या कहते हैं, कि एक दिन का काम है, 2 दिन का काम है, या लंबाई 1-2 महीने खींच देंगे, उस हिसाब से फिर कल डिसीजन लिया जाएगा। अभी के लिए तो मंडी चलते हैं फिलहाल। यहाँ पे वैसे कितना रुपए किलोमीटर लेते हैं टैक्सी वाले अगर पहाड़ पहाड़ में ही चलती है तो? 20 रुपए छोटी गाड़ी। इधर फाइनली जगह पर तो पहुंच गए हैं, नेर चौक कहते हैं इसे। यहाँ से महिंद्रा का शोरूम 1.5 किलोमीटर है और कुछ भी मिल नहीं रहा था होटल वोटल 1:30 बजे, तो ये फाइनली मिल गया यहाँ पर। क्या नाम था इसका, होटल अनंत ना। फटाफट से सामान उतरवाते, चेक इन करते और ट्रक हमारा 1.5 घंटे में आ जाएगा जो गाड़ी लेकर आ रहा है। तो अब ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि 1.5 किलोमीटर हम जाएंगे कैसे, पैदल तो जा नहीं सकते, हिम्मत नहीं है, खाना भी नहीं मिल रहा इस टाइम तो। यार कुछ इस तरह का रूम मिला है, 2000 रुपए बोल रहे थे बट बार्गेन करके 1500 में डन कर दिया। इस तरह से वॉशरूम है, ठीक है रूम, तो अब ज्यादा क्या सोचना, गाड़ी आने का वेट करते हैं, कभी भी भैया आएंगे तो निकलना पड़ेगा हमें। तो यार रात के 2 बज रहे हैं और ट्रक वाले भैया का फोन आ गया, वो कह रहे मैं सर्विस सेंटर पहुंच चुका हूँ, तो वहीं जा रहे हैं, कोई टैक्सी वैक्सी मिली नहीं, तो अब हमारे पास पैदल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। 1.5 किलोमीटर रात की, इतनी ठंड हो रही है। चलो छोड़ तो वो ट्रक वाले भैया जाएंगे, अच्छे हैं वो, जानते मतलब जान पहचान होगी मस्त, पर जाना तो हमें पड़ेगा ही ना। कुछ इस तरह से हालत हुई पड़ी है, बुरी तरह ठंड लग रही है, क्यों केशव जी? यहाँ पे नैनो बहुत देखने को मिल रही है, देखना थोड़ी दूर आप चलोगे ना एक नैनो दिखी जाती है। हाँ हाँ मंडी है पता है। लो भाई पहुंच गए महिंद्रा शोरूम, ट्रक तो मुझे दिख नहीं रहा, कहीं छोड़ के चले तो नहीं गए वो गाड़ी को। नीचे देखते हैं भाई, तो ये वर्कशॉप है भाई यहाँ की, ये खड़ा भाई ट्रक अपनी गाड़ी, अब इसको उतरवाने की जल्दी से प्रोसेस करते हैं कंप्लीट। बड़ी जल्दी पहुंच गए आप है, हमने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। 1.5 किलोमीटर छोड़ते जाना बस जाते जाते। लो भाई फाइनली उतार लिए किसी तरह से गाड़ी को नीचे। ये टायर ना अटक रहा है इस जगह पे, इसलिए घूमने में दिक्कत हो रही है, बाकी ज्यादा डैमेज आया नहीं है गाड़ी को। बिल्ड क्वालिटी भाई देख ही लिया आपने महिंद्रा की, अंदर हमें एक खरोच तक नहीं आई। और मेन ना इसका बस ये आगे का बोनेट ही बदलेगा, क्योंकि इंजन विंजन बाकी सब सही है, गाड़ी ऑन भी हो रही है, गियर भी सही है, बाकी ट्रांसमिशन वगैरह सब कुछ सही है। एक ये हेडलाइट वाला एक एरिया बदलेगा और ये बम्पर बदलेगा। तो कल सुबह आएंगे, कितने बजे खुलता है भैया ये सर्विस? 9 बजे, तो 9 बजे आएंगे सुबह, बात करते क्या सीन है। बाकी इसका ना टायर की हमने हवा जान पूछ के निकाली थी, ताकि ये थोड़ा सा कम वो हो जाए फूला हुआ और इससे टकराए ना चलने में, बाकी ठीक है हो गया। ये टायर हल्का सा ना अपनी लोकेशन से पीछे हो गया, तो ये सीधा करके सही हो सकती है। बाकी पूरी बॉडी भाई बिल्कुल सही है, ना शीशा टूटे ना इधर के, ना सनरूफ में कुछ भी असर आया,
बस यही फ्रंट बम्पर और टायर का काम थोड़ा सा होना है अब इसमें। सुबह आपको बताऊंगा अपडेट इसके बारे में कंप्लीट। फिलहाल भैया हमें ट्रक में होटल तक छोड़ देंगे। यार आए तो एक्सयूवी 700 में थे, जा रहे हैं भाई साहब ट्रक में बैठ के, और कुछ इस तरह से लगता है टो ट्रक अंदर से भैया चला रहे हैं। बताओ भैया वापिस से कुल्लू जाएंगे इतनी रात को, लो मतलब 5 बज जाएंगे आपको ना, 4-5। तो दिन में सोए थे आप वैसे? बिल्कुल भी नहीं। ओ भाई साहब इतना बड़ा ट्रक चलाना पहली बार और बिना नींद के। चलो भाई अपना होटल बस 1.5 किलोमीटर है, भैया ने लिफ्ट दे दिया हमें। बाकी यार ठीक है, जान बच गई, शरीर में कुछ चोट नहीं आई, वही अच्छा है। घर वाले वो भी, घर वालों को भी फोन किया था तो वो भी यही बात कह रहे थे। बाकी खत्म करते हैं आज के ब्लॉग को, देखते हैं कल क्या होगा, कल परसों दरसों जो भी है स्टोरी आने वाले। हाँ जी यूट्यूब वाले वीडियोज बनाते हैं, हम घूमेंगे। इंडियन बैकपैकर सर्च करना आप भी आओगे। इस एक्सीडेंट से ना मुझे भाई 3 चीज़ें सीखने को मिली। सबसे पहली बात, पहले मैं बिल्ड क्वालिटी को इतना ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी नहीं देता था गाड़ी खरीदने में कि हाँ फीचर्स है मेरे बजट में है, बस मैं वही चीज़ देखता था लुक्स कैसी है, कहीं ना कहीं छोड़ देता था बिल्ड क्वालिटी की बात को। बट अब मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई मैंने महिंद्रा की XUV 700 ली, जो कि एक 5-स्टार रेटेड गाड़ी है और इंडिया की सेफेस्ट SUV है। तो इसलिए भाई आगे से भी मेरी जितनी गाड़ी की परचेज होगी ना, उसमें बिल्ड क्वालिटी को मैं ज़रूर टॉप पे रखूंगा कि सेफ्टी रेटिंग कैसी है उस कार की, इन शॉर्ट है ना, क्योंकि ये 5-स्टार थी इसलिए हमारी जान बच पाई। दूसरी चीज़ भाई, सीट बेल्ट लगाना गाड़ी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो मैं शुरू से लगाता हूँ हमेशा से, मतलब ऐसा नहीं सोचता था कि एक्सीडेंट होगा इसलिए बचा लेगी, मतलब मेरे दिमाग में ही था वो शुरू से कि ये सीट बेल्ट लगानी चाहिए जब भी गाड़ी में बैठो, चाहे मैं ड्राइव कर रहा हूँ चाहे मैं पैसेंजर सीट पर बैठो। बट इस एक्सीडेंट में आपने देख लिया कि केशव और मैंने दोनों ने सीट बेल्ट लगा रखी थी और उसकी वजह से हमारा काफ़ी बचाव हो गया। अगर सीट बेल्ट नहीं होती तो अचानक से ब्रेक लगते ही हम आगे की तरफ जाते और हमारा शायद से सिर भी टकरा सकता था शीशे पे, तो वो चीज़ होने से बची है सिर्फ और सिर्फ सीट बेल्ट लगाने की वजह से। तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा मिली है भाई, नाइट में ड्राइविंग या राइडिंग मैं कभी नहीं करूंगा, चाहे वो मैं बाइक से जा रहा हूँ चाहे गाड़ी से जा रहा हूँ। अब कोशिश यही रहेगी सुबह जल्दी निकलो, अगर जल्दी नहीं भी निकलते तो दिन की जर्नी को छोटा रखो, बीच में स्टॉप कम लो। बट जहां 5:30-6:00 बज जाते हैं ना, अंधेरा होना शुरू हो जाता है उस टाइम पे, भाई जिस जगह पे हो होटल लो और रुक जाओ। भले ही नींद आ रही है नहीं आ रही है, फोग है रोड पे नहीं है, वो सब चीजें मैटर नहीं करती, बस अंधेरा हुआ तो हम रुक जाया करेंगे। क्योंकि भाई आप जितना मर्जी सेफ होकर चला लो, हो सकता है दूसरे की गलती की वजह से लग जाए। अब इस केस में चलो मान लो मेरी गलती भी नहीं थी, उस बंदे की भी गलती नहीं थी, बट वो हाईवे जो बन रहा था उसकी तो गलती थी ना, अंधेरे की तो गलती थी ना। अंधेरे में बंदे को पता नहीं चला मेरी लाइट्स की वजह से कि मैं इस रोड पे हूँ उस रोड पे हूँ, और शायद हम भी सामने से देखते तो शायद हमें भी इतना ना पता चलता। तो रिस्की है इन शॉर्ट नाइट में राइड या ड्राइव करना। इसके अलावा काफी लोग आप सोच रहे होंगे जिस इनोवा वाले के साथ टक्कर हुई उसके साथ क्या बना, पुलिस केस किया नहीं किया, पुलिस इन्वॉल्व हुई या नहीं हुई। तो ऐसा हमने कुछ नहीं किया, दोनों पार्टीज ने, मतलब देखो यार हम वहां के लोकल नहीं थे और वहां की लोकल बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी, और ऐसे मैंने सुना है हिमाचल में मनाली साइड में वैसी वहां के जो लोकल ड्राइवर्स होते हैं या यूनियन होती है वो हरियाणा साइड के दिल्ली के लोगों से चिढ़ते हैं जो गाड़ी वाले होते हैं। तो मैं नहीं चाहता था कुछ सीन हो, एक तो 7:30 बज गए थे, हम दोनों खेले थे, तो जो भी था उन्होंने भी कहा कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, रिटर्न में लिख लेते कि ना हम कुछ आगे फ्यूचर में पुलिस से रिलेटेड कुछ करेंगे ना वो वाली पार्टी कुछ करेगी। तो इन शॉर्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, दोनों गाड़ियों का इंश्योरेंस है, आप अपना क्लेम करवाओ हम अपना करवाएंगे और यहाँ से टाटा बाय बाय कर देते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, उस टाइम पर यही समझदारी थी, क्या वहाँ पर झगड़ा करना था, तो इसलिए हो गया भाई। लास्ट में भाई मैं यही कहूँगा कि हमें कोई चोट नहीं आई, हेल्थ वाइज भी हम बिल्कुल परफेक्ट है, गाड़ी तो देखो चलो लग गई कोई नहीं ठीक हो जाएगी, इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा, पैसा तो हमारा वैसे भी नहीं लगना, नहीं भी आ जाती कोई बात नहीं, बट एक बार जान चली जाती ना तो वो पैसों से खरीदी जाती, मतलब समझ रहे हो ना। तो जो भी हुआ ठीक हुआ, कहते हैं ना कहावत की जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, तो छड्डो भाई मिट्टी पाओ कोई नहीं, ट्रिप का नुकसान हो गया, गाड़ी नहीं थी, थोड़ा दिल पे चोट आई कि हाँ दिल में, मतलब असली में दिल पे चोट नहीं कि गाड़ी ठुक गई वो वाली दिल पे चोट। बट ओवरऑल बताऊँ तो भाई इस पूरे एक्सीडेंट में बहुत कुछ सीख मिली है, जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत चीज़ें सीखने को मिली, इंश्योरेंस क्लेम कैसे करते हैं, RTO कैसे काम कर, RTO कह रहा हूँ RSA रोड साइड असिस्टेंस कैसे काम करता है, तो वो सब आपको मैं आने वाले व्लॉग्स में 2-3 दिन बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस था, किस तरह से हम शोरूम पे लेकर गए, क्या प्रोसेस चला, कितने दिन में लगेगी, वो स्टोरी आपको अगले 3-4 व्लॉग्स में देखने को मिल जाएगी। बहुत एक्साइटमेंट थी XUV 700 की, जल्दी मिल भी गई थी, बट ठीक है भाई अब जो होना था वो, मतलब जो लिखा होता है वो होना ही होता है कहते हैं ना भाई। खत्म करते हैं यार आज के ब्लॉग को, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।